15 अगस्त के पहले उरी जैसे हमले की कोशिश नाकाम। परगल आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर, 3 जवान भी शहीद। चुनावी वादों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कई वादों को लेकर की गई सुनवाई। नाइट क्लब में लड़की के साथ छेड़छाड़, मारपीट, मैनेजर समेत 6 बाउंसर गिरफ्तार। पब का दावा छेड़खानी नहीं हुई। केरल में धौंस जमाने का अनोखा ट्रेंड, 700 रुपए में कांस्टेबल और 2560 रुपए में दरोगा। इसके अलावा 33,100 रुपए में पूरा थाना मिलेगा। जेल से छूट चंडीगढ़ पहुंचे मजीठिया, पिता से लिपट गए दोनों बेटे, पत्नी ने फूल बरसाए, सांसद बहन का आशीर्वाद लिया। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से तबाही, महिला और बच्ची की मौत, 10 दुकानें क्षतिग्रस्त, 5 एनएच समेत 95 सड़कें बंद। पीएम मोदी के काला जादू का राहुल गांधी ने यूं दिया जवाब, कहा प्रधानमंत्री को महंगाई नहीं दिखती। लाल सिंह चड्ढा के बायकॉट पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, उन्होंने मौजूदा सरकार पर अलोकतांत्रिक और तानाशाही होने का लगाया आरोप। बिहार में मात खाने के बाद भाजपा ने अपनी रणनीति बदली, एनडीए को बढ़ाने के लिए नर्म रवैया अपनाएगी। जेडीयू के आने से 196 सीटों पर विपक्ष मजबूत। रमजान में इफ्तार, मुहर्रम पर कुर्सी तैयार, चाचा भतीजे में पिछले दरवाजे से बढ़ी नजदीकियां, ताकते रह गई बीजेपी। पीएम मोदी ने तमिलनाडु की सरकार को सराहा, कॉमनवेल्थ गेम में शामिल खिलाड़ियों और कोचों से मुलाकात की। चीफ जस्टिस रमणा ने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी पर दिया जोर, कहा लोगों को अपने कर्तव्यों का पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सूचना से सीमा शुल्क विभाग की बढ़ेगी क्षमता, 24 घंटे पहले देनी होगी जानकारी। मुंबई में कोरोना की तेज रफ्तार, मामले में 79% का उछाल, दिल्ली में 2146 नए केस दर्ज। दुनिया के कई देशों में होता है रेशम की डोरी वाला राखी का त्योहार का सेलिब्रेशन। बदायूं में 91 लीटर जहरीली शराब बरामद, 3 तस्कर पकड़े गए, अवैध तरीके से शराब बेच रहे 2 अन्य लोग भी धरे गए। महिलाएं आज और कल करेंगी फ्री बस यात्रा, रक्षाबंधन पर बहनों को सरकार का तोहफा, सरकारी बस में नहीं लगेगा टिकट। फरुखाबाद में 22 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, 136 सेंटीमीटर पर पहुंचा गंगा का जलस्तर, 6 गांवों की बिजली कटी। रक्षाबंधन पर घर जाने के लिए उमड़ी बहनों की भीड़, सुबह से बसों के लिए करना पड़ा इंतजार, सीटों के लिए भी मारामारी। बिजनौर के धर्मपाल सिंह बने उत्तर प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री, गांव वालों ने ढोल नगाड़े बजाकर जताई खुशी, झारखंड के प्रदेश संगठन मंत्री भी रहे। नोएडा में बदमाशों ने युवती से छीना मोबाइल, सीसीटीवी फुटेज, सड़क किनारे खड़ी होकर अपने फोन में एसएमएस चेक कर रही थी युवती।
सहारनपुर में एक जैसा नाम होने की मिली सजा। बैंक से जिस इकराम ने लोन लेकर नहीं चुकाया उसके हमनाम को पुलिस ने भेजा जेल। बाराबंकी में घाघरा कटकांडव जारी। कटान के चलते नदी में समा गए 18 मकान। लोगों में डर का माहौल। मथुरा में रक्षाबंधन के पहले खाद्य विभाग की छापेमारी। मिठाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे 7 दुकानों पर कार्रवाई। फरुखाबाद में बाजार गुलजार। दुकानों पर सुबह से ही घेवर और फैनी खरीदने के लिए लगी भीड़। बिजनौर पहुंचकर डीआईजी ने चलाया सफाई अभियान। एसपी सहित अन्य पुलिसकर्मी रहे मौजूद। सफाई के लिए किया गया जागरूक। मुजफ्फरनगर में पूर्व प्रधान ने नवी की छात्रा से किया रेप। सड़क किनारे बेहोश मिली थी किशोरी। किताब लेने जाते समय किया था अगवा। मुहर्रम के दिन बवाल करने वाले 22 लोगों पर एफआईआर। वाराणसी के सरैया इलाके में हुआ था पथराव। पुलिस ने शुरू किया आरोपियों की तलाश। रायबरेली में 2 दिनों तक महिलाओं के लिए बसों में फ्री यात्रा। एआरएम बोले महिलाओं का सम्मान पूर्वक बस का सफर करवाया जाएगा। प्रयागराज में साइकिल पर तिरंगा लेकर निकले युवा। प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंदी और मेयर अभिलाषा नंदी ने अगुवाई की। एसएसपी और एसपी सिटी ने पुलिस ऑफिस में की सफाई। मुजफ्फरनगर में 2 आईपीएस के सफाई में उतरते ही जुटी जिला पुलिस। मेरठ में महापंचायत में गर्जे राकेश टिकैत। बिजली के बिल और बकाया गन्ना भुगतान को लेकर सरकार को घेरा। अमरोहा में जहर खुरानी गिरोह का शिकार हुआ ई रिक्शा चालक। राहगीरों को बेहोशी की हालत में झाड़ियों में पड़ा मिला। मोती झील में सैर के साथ गाड़ी करे चार्ज। शहर का पहला इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन जल्द मिलेगा। 35 मिनट में कार होगी फुल चार्ज। कांस्टेबल पर अनुशासनहीनता के 15 मामले दर्ज। मेस के खाने को लेकर हंगामा किया था। सीओ लाइन कर रहे जांच। भदोही में निःशुल्क मोटर बोट पर लोगों से लिया जा रहा पैसा। स्थानीय लोगों ने गंगा पर पुल बनवाने की मांग की। आने जाने में होती है परेशानी। हापुड़ में फर्जी तरीके से मंदिर की ट्रस्ट डीड कराने का आरोप। लोगों ने डीएम से की शिकायत। जांच करवाने के निर्देश। कन्नौज माह से शुरू होगा स्वतंत्रता सप्ताह। 11 से 17 अगस्त तक चलेगा कार्यक्रम। आजादी के जश्न को मनाने के लिए संस्थाएं तैयार। चंदौली में सफाई कर्मी खुद घरों पर फहराएंगे तिरंगा। लोगों को करेंगे जागरूक। जिलाध्यक्ष बोले अभियान हम सभी के सहयोग से होगा सफल। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं का तोटा। बारिश में 3 शेड से गिरता है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पानी। यात्री होते हैं परेशान। लखीमपुर खीरी में आजादी का अमृत महोत्सव पर बाइक तिरंगा यात्रा। जिला मंत्री बृजेश सिंह ने किया यात्रा का शुभारंभ। सोनभद्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। भारत माता की जयकारों से गूंजा इलाका।
रामपुर के अनवा गांव में फिर मिला धमकी भरा पत्र। पानी की टंकी में केमिकल मिलाने की भी आशंका। हरदोई में मुस्लिम युवकों ने तमंचे के साथ घर में घुसकर किया बवाल। तिरंगा लेकर घूमने पर जताई आपत्ति। अंबेडकर नगर में इकलौते बेटे ने ईंट से कूच कर की मां की हत्या। चंद रुपयों के लिए बना कातिल। उत्तराखंड में आसमानी आफत। उफान पर नदी नाले और दर के पहाड़। जौनसार बाबर में मचा हाहाकार। उत्तराखंड के हजारों बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर। नहीं लगी यूके एसएसएससी की 8 परीक्षाओं पर रोक। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई दुकानें बही। तस्वीरों में तबाही दिख रही। उत्तराखंड में आज 2 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद। उत्तराखंड के हाईकोर्ट के अधिवक्ता को सेंट्रल जेल से मिली धमकी। छापे में कैदियों से 3 मोबाइल बरामद। उत्तराखंड के चनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर लगातार पहाड़ी से गिर रहे पत्थर। 14 घंटे से बाधित है राष्ट्रीय राजमार्ग। उत्तराखंड में तिरंगे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बढ़ा विवाद। कांग्रेस विधायक बोले भाजपा को विभाजन पसंद। उत्तराखंड में कोरोना के 221 नए मामले। एम्स ऋषिकेश में 2 मरीजों की मौत। उत्तराखंड पावर बैंक ठगी मामला। ईडी ने भी दर्ज किया मुकदमा। ऐप के माध्यम से हुई थी 400 करोड़ से अधिक की ठगी। उत्तराखंड में भाजपा ने निकाली हर घर तिरंगा यात्रा। भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के साथ कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे। उत्तराखंड में ऑनलाइन ऑफलाइन नकल माफिया में गैंग वॉर। आयोग के पूर्व अध्यक्ष का चौंकाने वाला खुलासा। उत्तराखंड में ड्रग्स माफिया पर कार्रवाई के लिए बनी टास्क फोर्स। शिक्षण संस्थानों पर भी रहेगा फोकस। उत्तराखंड में फेसबुक पर महिला का प्रोफाइल बनाकर 60 लाख की साइबर ठगी। एसटीएफ ने नाइजीरियन को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में चोरों ने अपनाया चोरी करने का नया तरीका। नाबालिग लड़के से करवाते थे घरों में चोरी। उत्तराखंड में सरकार दोबारा बनाएगी कर्म कार्ड बोर्ड। श्रमिकों के लिए नई योजना होगी शुरू। कानूनी सवालों के जवाब नहीं देंगे ट्रंप। यूएस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा एफबीआई मेरे खिलाफ साजिश रच रही। कारोबारियों को परेशान किया जा रहा। दुनिया में शांति के लिए मोदी के नाम का प्रस्ताव। मैक्सिकन राष्ट्रपति बोले युद्ध रोकने के लिए कमीशन बने। इसमें पोप फ्रांसिस भी हो। यूएई बिजनेसमैन की मौत का वीडियो। बोलते बोलते अचानक पीछे गिरे और चली गई जान।
ताकत के दम पर करेंगे कब्जा। श्वेत पत्र जारी कर चीन ने ताइवान में सेना न भेजने का वादा तोड़ा। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर के भाई को बचाया। भारतीय विमान हाईजैक के आतंकी के खिलाफ प्रतिबंधों में लगाया अड़ंगा। कोरोना को लेकर उत्तर कोरिया तानाशाह ने किया जीत का दावा। बहन ने किया किम जोंग के बुखार से पीड़ित होने का खुलासा। चीनी कंपनी अलीबाबा पर पड़ी आर्थिक संकट की मार। 3 महीने में नौकरी से निकाले गए 10,000 कर्मचारी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बोझ से दबे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का चीन का लक्ष्य हुआ धराशाही। इमरान खान की पार्टी ने चुनाव आयोग के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी चुनौती। जलवायु परिवर्तन की दिशा में अमेरिका ने उठाए बड़े कदम। स्वच्छ ऊर्जा के विकास को किया प्रोत्साहित। जियो लेकर आया इंडिपेंडेंस ऑफर। 3,000 के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के साथ मिलेगी फ्री कॉलिंग डाटा और SMS। 250 रुपए महीने पड़ेगा प्लान। मस्क ने टेस्ला के 79.2 लाख शेयर बेचे। बोले ट्विटर डील के लिए मजबूर किया गया तो कैश की जरूरत पड़ेगी। ग्रैंड विटारा SUV 33,000 बुक हुई। इसमें करीब 47% बुकिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की। दिल्ली हैदराबाद और मुंबई में सबसे ज्यादा न्यू ऑल्टो K10 की बुकिंग शुरू। न्यू ऑल्टो K10 की बुकिंग शुरू। 11,000 रुपए में कर सकते हैं बुक। मॉडर्न फीचर से लेस नया मॉडल मौजूदा ऑल्टो की तुलना में बड़ा। सस्ते हो सकते हैं हवाई टिकट। सरकार 31 अगस्त से हवाई किराए पर लगे कैप को हटाएगी। एयरलाइंस अपने हिसाब से तय कर सकेगी कीमतें। चीन में मंदी की आहट। अलीबाबा ने 10,000 लोगों को नौकरी से निकाला। सेल्स में कमी की वजह से उठाया कदम। डिजिटल लैंडिंग ऐप पर बढ़ेगी निगरानी। RBI ने जारी किया नियमों का पहला सेट। कहा पेमेंट की वसूली थर्ड पार्टी से कराने की इजाजत नहीं। कर्ज देने वाली ऐप पर कसा शिकंजा। अब उधारी सीमा बढ़ाने के लिए लेनी होगी ग्राहकों की मंजूरी। पॉलिसी बाजार के 5.64 करोड़ ग्राहकों की गोपनीय जानकारियां लीक। साइबर X9 का दावा। शिबा इनू के एक्टिव एड्रेसेस में रिकॉर्ड बढ़त। औसत कीमत में 24.18% का इजाफा। साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज नहीं पढ़ पाया गेंद का एंगल। थाली में परोस कर दिया अपना विकेट। स्पिनरों के लिए काल बनकर आया है पाकिस्तान का युवा धुरंधर बल्लेबाज। उठी एशिया कप टीम में शामिल करने की मांग। शिमरोन हटमायर ने हवा में उड़ाकर लिया हैरान करने वाला कैच। वीडियो देखकर राजस्थान रॉयल्स फैंस का गर्व से हो जाएगा सीना चौड़ा। जिम्बाब्वे दौरे से पहले वॉशिंगटन सुंदर चोटिल। काउंटी क्रिकेट में एक मैच में फील्डिंग के दौरान हुए चोटिल। बाएं कंधे के बल पर जमीन पर गिरे।
केएल राहुल के एशिया कप खेलने पसंद है, विराट रोहित पर रोहित कर सकते हैं भारत के लिए ओपनिंग, राहुल नहीं तो श्रेयस जाएंगे यूएई। शिखर धवन ने कहा, जब तक भारत के लिए खेलता रहूंगा टीम की ताकत बनूंगा, परेशानी नहीं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैंग लेनिंग ने क्रिकेट से लिया अनिश्चितकालीन ब्रेक, हाल ही में टीम को दिलाया था गोल्ड। अगर हार्दिक पांड्या भारत की टी20 टीम के कप्तान बनते हैं तो हैरानी नहीं होगी। न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज स्कॉट स्टारिस का बयान आया सामने। ट्रेंट बोल्ट ने न्यूजीलैंड क्रिकेट का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा, क्रिकेट की बजाय परिवार को देंगे प्राथमिकता। मुंबई इंडियंस की दो नई टीमें हुई लॉन्च, यूएई और साउथ अफ्रीका लीग में मचाएगी धमाल। होला के सेट पर घायल हुई तब्बू, एक्शन सीन शूट करते समय हुआ हादसा, कांच का टुकड़ा उछलकर आंख के ऊपर लगा। मुकेश खन्ना पर दर्ज हो सकती है एफआईआर, महिलाओं के बारे में दिया था आपत्तिजनक बयान, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ सॉरी शक्तिमान। होली काउ का ट्रेलर आउट, गाय को ढूंढते नजर आएंगे संजय मिश्रा और नवाजुद्दीन आलिया सिद्दीकी की होगी डेब्यू फिल्म। क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज, अधूरे सच की तलाश में पंकज त्रिपाठी, अनसुलझी गुत्थी सुलझाएंगे माधव मिश्रा। लापता लेडीज का टीजर हुआ रिलीज, किरण राव ने की प्रोडक्शन में वापसी, 3 मार्च 2023 को सिनेमा घरों में आएगी फिल्म। प्लेबैक सिंगर अर्जुन कानूनगो ने अपनी गर्लफ्रेंड से की शादी, ताज होटल में लिए 7 फेरे। शिल्पा शेट्टी को फिल्म की शूटिंग के दौरान लगी चोट, 6 हफ्ते करना होगा बेड रेस्ट। लाल सिंह चड्ढा की स्क्रीनिंग में पहुंचे दीपिका रणवीर, कपल का दिखा शानदार अंदाज। वेंटिलेटर सपोर्ट पर मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, हालत बताई जा रही गंभीर। मिसेज गैलेक्सी 2023 कैप्टन चाहत दलाल लॉन्टी भारत एयरपोर्ट पर लहराया तिरंगा। प्राइम शो तक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।